भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में नई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के मुताबिक कलयुग में जो मनुष्य उनके द्वारा बताए गए चार काम करता है तो ना सिर्फ उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग भी प्राप्त होता है। पहला, गुप्त दान करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज मुफ्त में मुहैया कराना जिसे पाने के लिए वो सक्षम नहीं है। हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दूसरा, जप और ध्यान। कलयुग के इस आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। दरअसल सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं की जाती, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है। नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करता है। तीसरा, आत्म स्वयं रखना। पैसों के पीछे भागते भागते कई बार व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर बैठता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और दिमाग दोनों को काबू में करने के लिए आत्म स्वयं का होना बेहद जरूरी है। चौथा, सत्य बोलना। कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। बहरहाल मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की बताई गई इन चार अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूरी है, लेकिन जो व्यक्ति इन चारों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।